वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटा साइंस मैथडोलॉजी, ठीक है जी। उसके अंदर वी हैव डन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। वी हैव डन डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन gives the answer to the question, where is the data coming from and how will you get it? ठीक है जी। यानी कि data collection, आपने data requirements identify कर ली by using the various analysis techniques, ठीक है। उसके बाद you are going to collect the data as per the requirement specified by analytics, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, you will search that data, what is your requirement, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट सोर्सेज ओवर द वेब एंड यू विल कलेक्ट दैट डेटा, ठीक है जी। तो आपको पता ही है क्योंकि वी आर डीलिंग विद बिग डेटा, तो उसके अंदर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। तो उस डेटा को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। Data is of different kinds, different natures, different formatting, ठीक है जी, different specifications. तो all जो heterogeneous kind of data है उसको आप collect करोगे, which is specifically related to the problem under consideration. जिस problem का solution आप find out करने की कोशिश कर रहे हो उससे related जो data है वो क्या करोगे, आप identify करोगे कहाँ कहाँ पे available है, ठीक है जी। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे तो उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई करोगे आपको कितना डेटा मिला है। हो सकता है कि देर मस्ट बी सम पार्ट ऑफ डेटा विच इज नॉट अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ द सोर्सेज, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू अगेन नीड टू रिव्यू एंड रिफाइन योर डेटा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। जो डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो उसका यू नीड टू फाइंड द अल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अल्टरनेटिव्स यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड देन यू विल अगेन कलेक्ट द डेटा, ठीक है जी, जब तक आपका डेटा कलेक्शन पूरा ना हो जाए, ठीक है। कलेक्शन के लिए आपको पता ही है आप क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हो डेटा कलेक्शन के लिए, क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये। अबे सर ये डीबीएमएस यूज करते हैं सर, वो आर डीबीएमएस डीबीएमएस टेबल्स। ओके, सो दीज आर द डेटा सोर्सेज ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड। वी यूज वेब स्क्रैपिंग टेक्निक टू स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द वेब फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, एंड गैदर द डेटा विच वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स। देन कम्स डेटा अंडरस्टैंडिंग। आप जब डेटा कलेक्ट करोगे देन यू नीड टू रिफाइन दैट डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फॉर रिफाइनमेंट ऑफ डेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअली डेटा इज। तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग हम दो तरीके से करते हैं, फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ए डेटा साइंस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या कह रहा है, व्हाट डज योर बिजनेस होप टू गेन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है जी। क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपका बिजनेस क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, हाउ विल यू डिफाइन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर एफर्ट्स। आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे इस बात की क्या गारंटी है, हाउ विल यू डिफाइन इट। तो वो चीज भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरियाज वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
तो वो चीज भी यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डेटा. डू यू हैव द बजट? क्या आपके पास बजट एंड सोर्सेज नीडेड टू रीच अवर गोल? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मॉनेटरी वैल्यूज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट? आर दोज अवेलेबल विद यू? ताकि आप उस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाओ. डू यू हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट? अब जाहिर सी बात, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसकी एक्सेस भी आपके पास होने चाहिए. यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द सोर्सेज, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैसे उसको कलेक्ट करना है, ठीक है, उसका कलेक्शन कर रहे हो आप, तो उसकी एक्सेस भी आपके पास होनी चाहिए ताकि उस डाटा को एज एंड वेन वट एवर काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फॉर यू कैन डायरेक्टली यूज द डेटा. हैव यू एंड योर टीम डिस्कस द रिस्क? ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा भी नहीं होगा, होगा तो इसको बनाने में इन बिटवीन क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, क्या कंटिजेंसीज हो सकते हैं, क्या फेल्योर क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप क्या करोगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई. डू द रिजल्ट्स ऑफ योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेक द प्रोजेक्ट वर्थ वाइल? आपने कॉस्ट एनालिसिस किया, आपने बेनिफिट एनालिसिस किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो इज दैट एनालिसिस आइडेंटिफाइज दैट द प्रोजेक्ट विल बी ए सक्सेस, दैट द प्रोजेक्ट विल बी ए फिजिबल? कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी कॉस्टिंग, डेवलपमेंट की कॉस्टिंग लग गई आपके 5 लाख रुपीज, ठीक है, आप कंज्यूमर से ले रहे हो 3 लाख, तो 2 लाख घर से थोड़ी लगाओगे भाई आप, है? अगर घर से लगाओगे देन व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दैट प्रोजेक्ट? आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, छोड़ो ऐसे काम को. मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट क्राइटेरिया. यू आर रनिंग ए बिजनेस, देर आर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरियस कॉस्टिंग्स, वेरियस वर्क होल्डर्स विच रिक्वायर सम कंपनसेशन इन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स, रिवार्ड्स दैट यू कैन गिव टू द एम्प्लॉय. तो जी वो चीजें भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी. आपको जब आपके बिजनेस को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो आप जो वर्किंग होल्डर्स हैं उनको आप कुछ दे पाओगे, तो वो चीज भी होनी चाहिए. ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. अब डेटा साइंस पर्सपेक्टिव से क्या कहता है? हाउ स्पेसिफिकली कैन डेटा माइनिंग हेल्प यू मीट योर बिजनेस गोल्स? डाटा माइनिंग टेक्निक आप यूज करोगे, जो डाटा को आप एक्सट्रैक्शन करोगे, वो कितना आपके बिजनेस गोल्स को रीच करने में हेल्प करेगा? हाउ मच? फिर क्या कहता है? डू यू हैव एन आइडिया अबाउट विच डाटा माइनिंग टेक्निक्स माइट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स? अब जाहिर सी बात, आप डाटा माइनिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच वन इज द बेस्ट टेक्निक that can give optimum results, ठीक है जी, वो चीज भी आपको identify करनी पड़ेगी. उसके बाद क्या है? How will you know when your results are accurate or effective enough? यानी कि वहां पे क्या हमने कोई ऐसे criterias, कोई measurement aspects डिफाइन किए हैं जिनके बेसिस की हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट हैं और कितने इफेक्टिव हैं, कितने रिलेवेंट हैं टू द प्रॉब्लम टू बी सोल्व, ठीक है जी. तो प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हाउ विल द डेटा मॉडलिंग रिजल्ट्स बी डिप्लॉयड? मॉडलिंग रिजल्ट्स, जब आप मॉडलिंग फेज में पहुंचोगे तो जो आपको एक मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो कितना फिजिबल है डिप्लॉयमेंट के लिए? क्या उसको फिजिबली आप फिजिकली उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, वो चीज भी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. क्योंकि अकेले मॉडल से कुछ काम नहीं होता, जब वो रियल एस्पेक्ट में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट होता है तभी सम रिजल्ट्स आर गेटिंग टू बी जनरेटेड, ठीक है, तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी. उसके बाद, डज द प्रोजेक्ट प्लान इंक्लूड ऑल द फेजेस ऑफ क्रिस डीएम? ठीक है जी,
ये क्या है, क्रिस्प डीएम इज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस, क्रिस्प डीएम इज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर, अरे अगर डेटा माइनिंग, आपके जो डेटा माइनिंग आप कर रहे हो, जो डेटा एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हो, उसके लिए ये क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड अप्रोच दैट नीड टू बी फॉलोड। तो इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप फेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो वो चीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड जो है दैट कैन बी डिप्लॉयड और नॉट, ठीक है। फिर आता है आपका आर रिस्क एंड डिपेंडेंसीज कॉल्ड आउट इन द प्लान, ठीक है जी, किस चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, क्या आपके पास ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, या आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। और क्या रिस्क आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं किए हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट प्लान में, ठीक है, क्योंकि जो प्लान आप प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो तो रिस्क मस्ट नीड टू बी इंक्लूड। तो रिस्क आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको डेटा साइंस पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है जी। तो यही सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा, ठीक है जी। डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है, इज द डेटा दैट यू कलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सोल्व, ठीक है जी। जो प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है उसके सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव ये डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो है या नहीं है, ठीक है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आपको स्टेटिस्टिक्स टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप उसकी क्वालिटी, उसके रिलेवेंस, उसकी एफिशिएंसी डेटा की, उसकी इफेक्टिवनेस को आप आइडेंटिफाई करना कर सको कि हाउ मच इज दिस सूटेबल टू सोल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसके अंदर डेटा अंडरस्टैंडिंग के कुछ स्टेप बाय स्टेप एक मेथड बताया है कि सबसे पहले आप कलेक्ट इनिशियल डेटा, आपने डेटा जो कलेक्ट किया है इनिशियली, तो उसके उस चीज को देखना पड़ेगा क्या कि एग्जिस्टिंग डेटा लोगे आप पहले, ठीक है, फिर जो भी आपने परचेज किया डेटा वो लोगे आप, उसके बाद एडिशनल डेटा यू विल आइडेंटिफाई, आप डेटा को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा सफिशियंट आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो यू नीड टू गेट एडिशनल डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्राइब द डेटा, उसके बाद आपको डेटा को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है जी, इसलिए अमाउंट ऑफ डेटा, कितने अमाउंट ऑफ डेटा है, वैल्यू टाइप्स क्या क्या उसके वैल्यू टाइप्स हैं, what are the different types of the data that you have collected, and coding schemes, what are the different coding schemes that are required for the particular problem under consideration, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें आप डिस्क्राइब करोगे अबाउट द डेटा, फिर आप डेटा को क्या करोगे, एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोर करके उसको यूज करोगे फॉर द सॉल्यूशन फाइंडिंग, ठीक है, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड। तो क्वालिटी ऑफ डेटा को वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग डेटा, अगर इन बिटवीन कोई डेटा मिसिंग है ओवरऑल कलेक्टेड डेटा में से, तो वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। डेटा एरर्स, कहीं पे डेटा के अंदर कोई एरर्स हैं, कोई चाहे वो ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, वो स्पेल एरर्स हो सकते हैं, वो लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद कोडिंग इनकंसिस्टेंसीज, कोडिंग करने के अंदर कहीं पे इन कोडिंग जो आप कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, उस कोडिंग के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आप एक इंस्ट्रक्शन कहीं पे किसी तरीके से यूज करें दूसरी जगह उसको किसी डिफरेंट वे से यूज करने लग रहे हो, विच इज नॉट जनरेटिंग द करेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे। बैड मेटा डाटा, ठीक है, मेटा डाटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है,
तो ऐसा डेटा जो डेटा को डिफाइन कर रहा है, वो डेटा अगर आपके पास बैड है तो वो चीज भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई डेटा आपने कलेक्ट कर रखा है उसके जो डेफिनेशंस आपको गलत मिल गई। तो अगर डेफिनेशन से मेटा डेटा ही अगर बैड होगा तो आपने तो देर आर चांसेस कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है दैट इज नॉट रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। ठीक है, तो वो चीज भी आपको पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज अबाउट डेटा अंडरस्टैंडिंग। देन वी मूव फॉर द डेटा प्रिपरेशन। ठीक है जी, डेटा अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको डेटा क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे किसके लिए, सॉल्यूशन फाइंडिंग करने के लिए। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, आर ऑल डेटा सोर्सेज क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एक्सेस्ड। क्या जितने भी डेटा सोर्सेज आइडेंटिफाई हो गए और एक्सेस कर लिया उनको, और व्हाट आर द इफ देयर एनी प्रॉब्लम एनी रिस्ट्रिक्शन एनी ऑथराइजेशन प्रॉब्लम्स विद द पर्टिकुलर रिसोर्स, तो वो चीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पहले से ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, देन हैव यू आइडेंटिफाइड की एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। की एट्रीब्यूट्स मीन्स जो मेन जो की टर्म्स की concepts that the main jo data hai which is effectively going to be used to solve the problem. theek hai, wo cheez identify karoge, yani ki main jo data hoga usme se available whole data mein se wo main data aapko pehle se identify karna padega. theek hai, pehle isse pehle ke jo phases hain unme hum yahi kar rahe the. theek hai, did these attributes help you to formulate hypothesis? kya aap ek hypothesis aap फॉर्मुलेट करने में एबल है बाय यूजिंग द अवेलेबल जो आपने की एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए उनके बेसिस के ऊपर. ठीक, हाइपोथेसिस यानी कि एक अजम्पशन अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद हैव यू नोटेड द साइज ऑफ ऑल डेटा सोर्सेज. आपको डेटा का साइज पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डेटा सोर्सेज है उनका व्हाट इज द डेटा साइज ऑफ दोज सोर्सेज. ठीक है, आर यू एबल टू यूज ए सबसेट ऑफ डेटा वेयर अप्रोप्रिएट. अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो जो आपने जो डेटा मान लो कोई एक होल डेटा है उसमें से अगर कुछ कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डेटा अगर आप यूज करना चाहते हो तो कैन यू यूज इट, आर यू एबल टू डू दैट, वो चीज भी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. ठीक है, हैव यू कंप्यूटेड बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट. डिड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इमर्ज. स्टेटिस्टिक्स जो हम डेटा एनालिसिस फेज के अंदर हमने एनालिटिक्स टेक्निक्स पढ़ी थी, वो स्टेटिस्टिक्स टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट करके यूज करके आप क्या करोगे, आप एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, कि जो आपने जो होल डेटा था उसमें से डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके क्या कोई ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट किया विच इज इफेक्टिवली गोइंग टू बी यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद डिड यू यूज एक्सप्लोरेटरी ग्राफिक्स टू गेन फर्दर इनसाइट इनटू की एट्रीब्यूट्स. ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे अब डाटा के साथ ग्राफिकल टूल्स फॉर बेटर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा. ठीक है, तो क्या आपने ऐसे कोई ग्राफिकल स्कीम्स इंप्लीमेंट की है, यूज की है, ताकि आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डेटा का कर सको. और अगर कुछ चेंजेस हैं, अगर ग्राफिकल मेथड्स इंप्लीमेंट करके आप डेटा को विजुलाइज कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो क्या जो हाइपोथेसिस आपने ड्राइव किया था, अजम्पशन आपने ड्राइव किया था आपके सॉल्यूशन के लिए, तो क्या उसको चेंज करने की जरूरत है? अगर है तो यू विल चेंज इट, अगर नहीं है तो यू विल कंटिन्यू विद दैट. उसके बाद व्हाट आर द डेटा क्वालिटी इश्यूज फॉर द प्रोजेक्ट. क्वालिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, वो चीज आप आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, और द डेटा प्रिपरेशन स्टेप्स क्लियर. ठीक है, आपको डेटा को प्रिपेयर करना था, यू द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डेटा दैट मस्ट बी स्पेसिफिक इन योर माइंड इन योर कंसेप्ट इन योर प्लान. ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, आगे प्रोसीड कर पाओगे.
तो डेटा प्रिपरेशन जनरली क्या कह रहा है, व्हाट एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट एंड वर्क विद द डेटा। डेटा तो आपके पास है, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली आप क्या डिफरेंट टेक्निक्स टूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो उसको मोर रिफाइनमेंट के लिए, उसको ज्यादा रिफाइन करने के लिए, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर द सॉल्यूशन फाइंडिंग। आप यू हैव टू इम्प्लीमेंट वेरियस टेक्निक्स टूल्स टू specifically refine means the data must be effectively related to the problem that you are going to solve। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to do some step by step procedure। सबसे पहले आपको select the right data। ठीक है जी, इसके लिए आपको Select ट्रेनिंग examples, यानी कि आप प्रीवियस जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है, जब भी आप कोई सिस्टम डेवलप करते हैं उसकी ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, कि उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपको व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो जो सेलेक्ट राइट डेटा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चूज करना पड़ेगा फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट इट्स द फीचर्स, यानी कि उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करोगे आप, एग्जाम्पल्स जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स उनके बेसिस के ऊपर यू विल चूज द राइट डेटा। ठीक है, देन यू हैव टू क्लीन द डेटा। ठीक है, डेटा क्लीनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल इन मिस डेटा। अगर कोई डेटा मिसिंग डेटा है इन बिटवीन, तो आप उस डेटा को क्या करोगे, फिल करोगे, यानी कि उस डेटा को कहीं से भी कलेक्ट करके फ्रॉम एनी सोर्स, एंड यू हैव टू फिल दैट मिस डेटा। ठीक है, दूसरा क्या है, करेक्ट डेटा एरर्स। अगर कोई एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं तो यू हैव टू करेक्ट दोज एरर्स, एंड कोडिंग इनकंसिस्टेंसीज इफ देयर, तो उनको भी आप क्या करोगे, रिमूव करके कोड को कंसिस्टेंट बनाओ। ठीक है जी, ये आ गया आपका क्लीनिंग डेटा। उसके बाद एक्सटेंड डेटा। ठीक है, एक्सटेंड डेटा का मतलब क्या है, जो अगर आपको जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, उसके अंदर अगर जो भी फीचर्स आप यूज कर रहे हो, जो भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स आप यूज कर रहे हो, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी कि जितने ज्यादा फीचर्स आपको चाहिए, जितने ज्यादा आप ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन टू द सिस्टम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट जनरेट करे, उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। जितने ज्यादा फीचर्स उतने डेटा यू विल रिक्वायर। ठीक है, देन यू हैव टू फॉर्मेट द डेटा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेटा डिफरेंट सोर्सेस से लिया है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, ठीक है, डिफरेंट वराइटीज ऑफ डेटा यू आर हैविंग, तो वो डिफरेंट वराइटीज ऑफ डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मॉडल दैट यू आर गोइंग टू डेवलप फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो जो सॉल्यूशन का प्रॉब्लम फाइंड के लिए आप जो मॉडल प्रिपेयर करने वाले हो, उसको किस, वहां पे आपने पहले से आइडेंटिफाइड है कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को यू नीड टू फॉर्मेट इन टू दैट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग, ताकि आपका जो ट्रेनिंग मॉडल है, जो आपका मॉडल है, उसके लिए आप उसको क्या कर सको, इफेक्टिवली यूज कर सको। ठीक है जी, देन कम्स मॉडलिंग पार्ट। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। Modeling part we will be doing in the next phase. If you have any doubts, you can ask.